Welcome back, students. We are going to our online classes here. Hey, students, today we are start our lesson 1 in geography, that is resources. So, what do you mean by resources? Mean resource को define कैसे करेंगे? संसाधन हम इसको बोलते हैं. संसाधन mean जो भी चीज हमारे काम आ रही है, जिससे भी हम अपना दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जरूरतों को पूरा करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. यानी वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है. इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके. यहाँ पर हम स्कूल में हैं तो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं, हम चॉक यूज कर रहे हैं, हम पेंटिंग यूज कर रहे हैं, टेबल कुर्सी यूज कर रहे हैं. तो दीज ऑल आर रिसोर्सेज फॉर अस. सो तो घर में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हमारे रिसोर्सेज हैं. स्कूल में हमारे जो काम आ रही चीजें वो हमारी, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति जो भी वस्तु कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स. यानी वही हमारे लिए क्या है, संसाधन है. सो नेक्स्ट यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ रिसोर्स, मैंने उसकी उपयोगिता और उसकी मूल्य, यानी उसकी आवश्यकता कितनी है हमको, उसका वैल्यू कितना है हमारे लिए, मूल्य कितना है हमारे लिए, वो उसकी हम बात करेंगे. यानी मूल्य, मूल्य एक तो हो गया यहाँ पर फाइनेंशियल मूल्य, यानी पैसे वाला जो मूल्य है. दूसरा, जो जिसका पैसे से हम जिसका एवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं, मनी से हम जिसका एवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से वैल्यू और जो यूटिलिटी है उसके बेस पर हम रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं. यानी कि एक तो हमारा टेबल है या हमारा ये कैमरा है, मोबाइल है, इसका हमारा एक फिक्स वैल्यू है, पैसा है इसके लिए. लेकिन मदर हमारी जो हेल्प कर रही है, मदर जो हमारी जो सर्विस कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए. या हम कहीं पर किसी नेचुरल लोकेशन को देखते हैं, हमें एनर्जी मिल रही है, सन एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी मिल रही है, तो ये इसका वैल्यू, इसका जो वैल्यूएशन है, इसको हम एवेल्यूएट मनी से, पैसे से, यानी इकोनॉमी के लिए हम इसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते हैं. तो ये इसका बेस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरा एक पेटेंट, पेटेंट होता है स्टूडेंट, पेटेंट मीन होता है विशेष अधिकार. यानी अगर हमने किसी को किसी ज्ञान को, नॉलेज को अगर हमने किसी को ढूंढा है, कोई हमारे पास है, तो हमारे पास उसका एक अधिकार होता है, सर्वाधिकार होता है, कि हमारी मर्जी से वो कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है. इसे कहते हैं पेटेंट, पेटेंट. तो अगर हमने कोई नॉलेज, कोई इन्वेंशन जो हमने किया हो, उसको पेटेंट करा दिया, तो बिना हमारी मर्जी के कोई भी विश्व में, वर्ल्ड में, कहीं पर भी उसका कोई भी यूज बिना हमारी मर्जी के नहीं कर सकता, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट. यानी एकाधिकार उसको हम हिंदी में कह सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स. अब रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई फिर करते हैं कैसे, नेचुरल एंड मैन मेड. मतलब एक तो प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा हमारे जो हमने इंसान ने जिसको जिसको बनाया है, जिसको इन्वेंट किया है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. मीन जैसे कोई मेटल ओर है, अयस्क है हमारा, तो अयस्क को हम नेचुरली गेट करते हैं, लेते हैं, माइन से लेते हैं, और वो वहां पर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. लेकिन जैसे ही हमने उसको मेटल्स के थ्रू उसको प्यूरिफाई किया, उसको बदला, तो तब क्या हो जाएगा, वो तब वो मैन मेड हो जाएगा. यानी लोहा जो अयस्क है, जो ओर फॉर्म में है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स. लेकिन जैसे हमने उसको प्यूरिफाई किया, उसको शुद्ध किया, सही किया, उसका स्टील बनाया, उसका और चीज बनाई, तो दैट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स. तो मैन मेड और नेचुरल मीन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैन मेड रिसोर्सेज डिपेंड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, क्योंकि इंसान कोई नई चीज को पैदा नहीं कर सकता. हाँ, उसको मॉडिफाई जरूर कर सकता है, उसको थोड़ा सा बदल जरूर सकता है. तो मैन मेड रिसोर्सेज टोटली डिपेंड होते हैं किस पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर. एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल मतलब वास्तविक और संभाव्य, यानी कि कहीं पर अगर कोई चीज बड़ी मात्रा में मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे. और जहां पर कोई संभावना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको, एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज आर द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. यानी जो लद्दाख में पता चला है कि वहाँ पर यूरेनियम के बहुत ज्यादा भंडार है, लेकिन अभी वो पता नहीं, अभी वो इसका प्रमाणित नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर संभावनाएं हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा जो रिसोर्स हैं वो यूरेनियम के, वहाँ पर बहुत ज्यादा रिसोर्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, वो पोटेंशियल रिसोर्स हैं. या विंड एनर्जी हमारी रही है,
विंड एनर्जी एक जमाने में हमारे लिए क्या थी, एक पोटेंशियल रिसोर्सेज थी, यानी उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा उस पर यूज नहीं हुई थी, उसको हमने बहुत ज्यादा नहीं बदल पाए थे हम उसको, तो वो तब तक क्या था, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज था। लेकिन जैसे हमने उसको अब विंड एनर्जी को हमने अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना शुरू कर दिया, अब हमारे लिए वो एक्चुअल रिसोर्स बन गया। यानी कोई चीज हो सकता है कि वो पोटेंशियल हो, लेकिन जब उसके ऊपर काम हो जाए, जब उसकी वास्तविक जो जो प्रेजेंसी है वो हमें मिल जाए, तो वो क्या हो जाता है, फिर एक्चुअल रिसोर्सेस हो जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मीन रिन्यूएबल मतलब होता है जिसको नया नवीकरणीय और अनवीकरणीय, यानी जैसे रिसोर्सेज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को अगर हम नया कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी नया कर सकते हैं। जैसे कि हमने जंगलों को हमने काटा और नए जंगलों को हम फिर से लगाना दूसरी तरफ से शुरू कर दें तो रिन्यूएबल हो जाएगा। लेकिन हमने जैसे पानी के सोर्स हैं हमारे, या जैसे हमारे जो ओर हैं, जो कोयले के हैं, पेट्रोलियम के संसाधन हैं, इनको हमने अगर बहुत ज़्यादा इनका दोहन शुरू कर दिया, इनका कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया, तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम बहुत कम समय में नहीं बनता, वो 10, 20, 50 सालों में फिर से रिन्यू नहीं हो सकता, इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसलिए हमको ऐसे संसाधनों को बहुत ज़्यादा समझदारी से ही यूज करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इसकी जो है बिल्कुल कमी ये गायब ना हो जाए। तो ऐसे संसाधन जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं रिन्यूएबल हो जाएंगे, और जो संसाधन जो रिसोर्सेज रिन्यू नहीं हो सकते उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एक दूसरा यहाँ पे संसाधन ये है एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक। लिविंग बींग से अगर हमको कोई रिसोर्स मिल रहा है, कोई संसाधन मिल रहा है, जैसे हमारे गाय पशु हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, ये तो दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। एंड नॉन बायोटिक जैसे पत्थर हैं, रेत हैं, ये जो भी है हमारे और मिट्टी पत्थर जो भी संसाधन है, ये क्या हो जाएंगे, एबायोटिक हो जाएंगे। तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन, लिविंग बींग हो जाएंगे तो बायोटिक और नॉन लिविंग हो जाएंगे तो एबायोटिक संसाधन हमारे ये होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आगे इसमें ह्यूमन रिसोर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है, संसाधन है, इसमें बड़ी चर्चा होती है, यानी जो मनुष्य है वो भी क्या एक संसाधन है, बिल्कुल वो भी एक संसाधन है, लेकिन कब वो संसाधन है, जब वो टेक्निकली एजुकेशनली परफेक्ट हो, ट्रेंड हो, टेक्नोलॉजी में आगे हो, तब कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई पॉपुलेशन किसी देश के लिए संसाधन का यानी रिसोर्स का काम हो सकती है। अन्यथा वो संसाधन, वही जो इंसान बड़ी मात्रा में पब्लिक हैं, वही उस देश के ऊपर बोझ हो सकता है, भार हो सकता है, अगर उसको हम टेक्निकली ट्रेन ना करें, उसको हम पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको हम ट्रेनिंग ना दें, कौशल ना दें उसको, तो वही बोझ बन जाता है। और अगर हम उसको ट्रेन करें, उसको हम परफेक्ट करें, ट्रेनिंग दें, तो वही हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो ह्यूमन का जो संसाधन है, जो हमें जो उनका सहयोग मिलता है देश को, समाज को आगे बढ़ाने में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री और अ नेशन। So, human being also a resource, that is a resource. Students, next heading is there, conserving resources and sustainable development. Mean, संसाधनों को conserve करना, बचाना, यानी हम संसाधनों का यूज तो करें, लेकिन उनको sustainable development के लिए, यानी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाते हुए चलें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको संसाधनों को यूज कर सके। जैसे मान लीजिए हम पिछले पीढ़ियों ने अगर हमारे लिए संसाधन खत्म कर दिए होते, ये पेड़ पौधे खत्म कर दिए होते, ये मिट्टी पोल्यूट कर दी होती, तो क्या हम यहाँ पर आज सस्टेन कर पाते, बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारी ये मॉरल जिम्मेदारी है कि हम रिसोर्स को यूज तो करें, लेकिन हम रिसोर्स को रिजर्व कंजर्व भी करें, बचाएं भी, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको प्रिजर्व करें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको रखें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधनों का यूज कर सके। तो स्टूडेंट्स,
यहाँ पे इस चैप्टर में इतने सी ये चैप्टर था, इतने टॉपिक थे इसमें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। आपने इसको वीडियो के साथ चैप्टर को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आई होप दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस। दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर ज्योग्राफी एंड आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो के साथ चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत अगर होती है आपको, आप फोन से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हम आपको एक्सरसाइज भेजेंगे पीडीएफ के थ्रू, आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे।